अस्सलाम वालेकुम यार, YouTube मैं हूं मुसीर रजा। तो पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि घर पे बैठ के ड्राइंग कैसे करनी है, लेकिन हमारा एक पार्ट रहता था कि शेडिंग या रेंडरिंग वो कैसे करनी। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं, एक जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई एक्चुअली शेडिंग या रेंडरिंग होती क्या है, और एक पार्ट में मैं करके दिखाऊंगा कि वो करते कैसे हैं। सो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि मैं कैसे करके दिखाता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि शेडिंग एक्चुअली होती क्या है, तब तक आप लोग शेडिंग या जो रेंडरिंग है वो कभी नहीं सीख सकते। सो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाद में उसकी प्रैक्टिस करें। सो शेडिंग इज ऑल अबाउट डेप्थ एंड शेड्स। शेड्स मीन्स शेडो, मतलब शेडो कहाँ है और लाइट कहाँ पे पड़ रही है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज आपको बताता चलूं कि लाइन, कभी भी ड्राइंग में लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। आप अपने इर्द गिर्द चीजें देख लें, कहीं भी आपको लाइन नजर नहीं आएगी। जो आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई ये अलग है ये अलग है, तो आप उसे शेड्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे। कभी भी लाइन कभी भी ड्राइंग में लाइन नहीं छोड़नी, जो शार्प एक लाइन होती है उसकी वजह मैं बताता हूँ। अब देखिए, ये चार उंगलियां, चलो यार चार उंगलियां, तो अब आपको कैसे पता चल रहा है कि यार ये चार है? एक तो चलो यहां से पता चल रहा है आपको, बाकी यहां से आपको कैसे पता चल रहा है? कहीं आपको लाइन नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, यहां कहीं लाइन नहीं है, बल्कि यहां शेड्स है। आपको नजर आ रहा होगा शेड ऐसे आता है, फिर ऐसे उठता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, उठता है और नीचे। ये शेड्स का काम है। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आप लाइंस नहीं लगा, मतलब बाउंड्री बनाने के लिए पहले लाइन तो लगेगी ही, लेकिन उसके बाद आप उसे शेड्स में कन्वर्ट कर देंगे और उस लाइंस को खत्म कर देंगे। अच्छा, शेड्स की एक दो एग्जांपल्स और है। डेप्थ, जो डेप्थ की बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता लग रहा है कि मेरी आंखें, मतलब इस स्केलेटन, इस हड्डी से जो फोरहेड की हड्डी है इससे पीछे है, वो इस तरह पता लग रहा है कि ये थोड़ी डार्क है, यहाँ पे एक शेड आ रहा है, हल्का सा शेड आ रहा है, तो इस शेड की वजह से आपको एहसास हो रहा है कि मेरी आंख पीछे है। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, बेसिकली वीडियो है, एक फ्लैट सरफेस है, 3D सरफेस नहीं है, तो आपको फिर भी डेप्थ का एहसास हो रहा है। वो डेप्थ का एहसास क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ शेड आ रहा है, उस शेड की वजह से आपको डेप्थ का फील आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोलता हूँ तो मेरा मुंह, आपको कैसे पता चल रहा है कि मुंह के अंदर एक डेप्थ है? क्योंकि अब जब मैं बोलता हूँ तो मुंह खुलता है, तो अंदर जो एरिया है वो ज्यादा डार्क है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। अब आपको कैसे पता चल रहा है कि ये नाक आगे है? क्योंकि ये लाइट है, यहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ रही है और ये एक हाईलाइट क्रिएट कर रहा है। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले उसके अल्फाबेट सीखे जाते हैं, तो शेडिंग का अल्फाबेट है ग्रेडियंट। जितनी हो सके ग्रेडियंट की प्रैक्टिस करें। ग्रेडियंट क्या है? डार्क टू लाइट की तरफ टोन्स का ले जाना। एक आप पेज के ऊपर इस तरह, जिस तरह मैं बना रहा हूँ, आप ज़्यादा सारे ग्रेडियंट्स बनाएं जिसमें डार्क टू लाइट आप टोन्स को लेके जाते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, उसके अंदर लाइंस नज़र ना आए। जो आप लाइंस बनाते हैं उसे एक दूसरे के अंदर मर्ज करने की कोशिश करें। मर्ज करने के लिए उसके ऊपर पेंसिल को बहुत ही स्लो प्रेशर के साथ बार 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 फेरें। अभी मैं यहाँ दो डिफरेंट साइजेस के स्क्वायर्स बना रहा हूँ, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये क्या है और इनकी पोजीशन क्या है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो हम शेडिंग के थ्रू हम ये भी शो कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में डिफरेंस क्या है और उनकी पोजीशन क्या है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, उनका आपस में डिस्टेंस तक हम शो कर सकते हैं थ्रू शेडिंग।
हम शेडिंग के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट की राउंडनेस भी शो कर सकते हैं, एक 2D सरफेस के ऊपर उसकी 3D लुक को भी शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब दो लाइंस लगा रहा हूँ और मैं शेडिंग इसकी ऐसे करूँगा कि आपको फील होगा कि ये ऑब्जेक्ट सेंटर में ऊपर उठा हुआ है और ये राउंड है। अच्छा तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि एंड पॉइंट्स पे डार्क है, फुल डार्क है, जो कि डार्कनेस आगे जाते जाते कम हो रही है, मतलब लाइट हो रही है, और सेंटर में काफ़ी लाइट एरिया है जिसकी वजह से हमें एक राउंडनेस की ना फील आती है, मतलब दोनों साइडों पे डार्क और सेंटर में जाते जाते वो लाइट हो रहा है। अच्छा ये चीज़ मुझे सबसे मज़े की लगी है, ये देख रहे हो ऐसे उठ रहे फिर नीचे जा रहा है और मतलब आगे कंटिन्यू है। मैं मतलब सिर्फ इस यहाँ से यहाँ तक के पार्ट की बात करता हूँ, तो आप यहाँ शेड्स को ऑब्जर्व करो, मतलब यहाँ देखो कलर को भूल जाओ, मैंने पहले बताया कलर नहीं देखना, सो ये ब्लैक है इसे माइंड से निकालो। देखो यहाँ लाइट ज़्यादा है, नीचे देखो डार्क है, बहुत डार्क है एज़ कम्पेयर दिस। ये देखो ये आपको एक वाइट एरिया नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये एरिया मोस्ट डार्क है, सबसे ज़्यादा डार्क है। सो ज़रूरी ये है कि आप ऑब्ज़र्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्ज़र्व करो। हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो ये कितने मज़े के फोल्ड्स हैं, खैर ये पहले की बेडशीट ख़राब हुई पड़ी थी, तो देखो बात करने का मतलब ये देखो, ये मैं इस एरिया को फोकस करता हूँ, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वाइट है, ये देखो जो नीचे नीचे आता आता डार्क हो रहा है, देखो ये वाइट, ये नीचे आता आता डार्क हो रहा है, यहाँ पर जहाँ ये टर्न है या राउंड है, सो यहाँ सबसे ज़्यादा वाइट है, सबसे ज़्यादा ये एरिया सबसे ज़्यादा वाइट, नीचे आता आता डार्क, और यहाँ देखो डार्क है और इधर भी डार्क है, जो ये डार्कनेस आगे जा रही है इधर, ये ऊपर ये एरिया देखो, ये जो पीछे है, सो ये पीछे हमें कैसे नज़र आ रहा है, हमें क्यों पता लग रहा है कि ये पीछे है, क्योंकि यहाँ पर डार्क है, और ये आगे हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वाइट है, ये लाइट है, सॉरी वाइट नहीं लाइट कहना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि बॉक्स सबसे ज़रूरी है बनाना, तो मैं यहाँ शू बॉक्स बना के उसकी शेडिंग कर रहा हूँ।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखें, मैंने बॉक्स का एक पार्ट बनाया सिर्फ, तो ये है इसका लिड, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे डार्क्स ऐड किए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब लिड हो एक बॉक्स का तो उसके नीचे एक थोड़ा सा शेडो होता है। आप सामने रखें और देखें इस चीज़ को, तो यहाँ मैंने उसका शेडो क्रिएट किया, ओके। अब उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एरिया वाइट है, ये एरिया वाइट है, और ये एरिया वाइट क्यों है, मतलब ये कदरे लाइट है, तो वो इसलिए कि यहाँ पे फोल्डिंग होती है। यहाँ पे बॉक्स का एरिया इस तरह, अगर हम इसे इसका सेक्शन काटे तो ये इस तरह होगा, तो ये वाला एरिया वाइट होता क्योंकि यहाँ से ये फोल्ड हो रहा होता है। अच्छा, सेम गोज फॉर दिस थिंग, दिस एरिया, ओके। अच्छा, अब ये एरिया देखें, इस एरिया में क्या है, यहाँ एक फोल्डिंग हो रही होती है और स्टेपल किया होता है, तो यहाँ पे थोड़ा अंदर मैंने डार्क किया है और यहाँ से एक राउंड शेप दी हुई है। अच्छा, अब बढ़िए स्फेयर को शेड करने की। स्फेयर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जिस बंदे को ये समझ आ गई वो इसके थ्रू किसी भी किस्म की बॉटल, ग्लास, कप बना सकता है। सो ये सब ऑब्जेक्ट्स बनाने से पहले आपको स्फेयर बनाना, मतलब उसकी शेड करना आना चाहिए। और मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस की स्पीड 2 times ही रखी है, सो दैट आप लोग अच्छे से देख सको और समझ सको कि भाई एक्चुअली मैं वो शेड कर कैसे रहा हूँ। सो जिस बंदे ने स्किप करनी है यार वो कर दे, लेकिन अगर वाकई समझनी है तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि स्पीड माइनस में करें, सो दैट आप लोग क्लियरली देख सको कि मैं पेंसिल चला कैसे रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये है हमारा स्फेयर। तो मैं बता दूं कि यहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले ये शेडो, ये तो ऑब्वियस सी बात है आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये एक हाईलाइट आ रहा है, ये क्या है, ये एक्चुअली आपके जो फ्लोर है उसकी रिफ्लेक्शन है। लाइट फ्लोर पे पड़ी, फ्लोर से वो लाइट इधर आपके जो स्फेयर है, जो भी बॉल है उसके ऊपर पड़ी, तो यहाँ पे आपने हाईलाइट लाजमी देना है। उसके बाद सेम उसी तरह डार्क, ये यहाँ पे ऐसे, और ये डार्क आगे जाते जाते लाइट हो रहा है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट वाइट ही है क्योंकि लाइट का जो सोर्स है वो इधर से आ रहा है।
भाई जी ये है हमारा कप, तो इसकी शेडिंग कैसे हुई है यार? जिसने स्फेयर बना लिया उसने कप बना लिया, सेम टू सेम वही वाली टेक्निक है। हुआ क्या है भाई, वही शेडो वही वाला, ठीक है, वही नॉर्मल सी डार्क, हल्का सा डार्क, उसके बाद वो वाली हाईलाइट जो मैंने पहले पिछली दफ़ा मेंशन की थी कि भाई एक हाईलाइट देनी है, ठीक है, हाईलाइट देने के बाद हल्का फुल्का डार्क जो कि आगे जाते जाते लाइट हो रहा है, और अब ये प्रॉपर राउंड है और कप है तो इसलिए हल्का सा ना इधर से भी डार्क आएगा बस। बाकी यार ये अंदर का इजी सीन है, वो तो सिचुएशन देख के आप लोग बना लेना, हर सिचुएशन पे डिफरेंट होता है। और ये यहाँ पे एक हल्की फुल्की मैंने हाईलाइट दी हुई है, ये क्या है, ये है भाई थिकनेस है जो कप की थिकनेस, ऑब्वियसली यार पेपर का तो नहीं बना हुआ, उसकी अपनी एक थिकनेस है, तो वो कप की थिकनेस शो करने के लिए मैंने लाइट थोड़ा छोड़ दी है। आई नो यार वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन इजी सीन है, 21st तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वो अनाउंस करेंगे, अनाउंस के बाद भी आपके पास मिनिमम 15 दिन होंगे, सो शेडिंग सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, मतलब लास्ट ऑप्शन मींस कि प्रायोरिटी कभी ना रखो शेडिंग को, शेडिंग हमेशा एंड पे करो अगर आपके पास टाइम बचा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है वो स्ट्रक्चर देखी जाती है। आप ये कह लोगे तकरीबन 80-90% स्ट्रक्चर और कोई 10-20% आपकी शेडिंग देखी जाती है, सो शेडिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ, अगर आप ये ट्रिक्स को फॉलो करो तो आप मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर ये शेडिंग परफेक्ट कर सकते हैं अपनी। अच्छा ये वीडियो लेट होने की वजह एक ये थी कि मेरे एग्जाम्स थे, और दूसरी वजह ये है कि यार मुझे बनाने में कम से कम 2 हफ्ते लग गए ये वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत होती है ये रिकॉर्ड करना, और ऊपर से ये सोचना कि यार इन लोगों को कैसे समझाऊँ, इस तरीके से समझाऊँ कि हर बंदे को ही समझ आ जाए, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है यार, बहुत मेहनत होती है, ट्रस्ट में बहुत मेहनत होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। सो इसलिए यार जिस बंदे ने सब्सक्राइब ना किया, लाइक ना किया और कमेंट ना किया, तो अल्लाह ही पूछेगा आप लोगों से फिर। ये मैंने बॉल पॉइंट से शेडिंग की हुई है, बॉल पॉइंट से करो पेंसिल से करो, बात एक ये क्रॉस हैचिंग हुई हुई है, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, वही शेडो है, और जैसा कि मैंने वो बताया हुआ था उसमें स्फेयर में बताया, तो इसका लाइट सोर्स इधर से है और वो बहुत ज़्यादा शार्प है, इसलिए इस साइड पे थोड़ा सा मतलब डार्क आया है, और ये नेक है, नेक पे डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर निकली हुई थी, तो इस वजह से वहाँ डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा थी और अंदर थोड़ी सी डार्कनेस तेज हो, बस इतनी सी बात है, शेडिंग बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी ये वो महान ड्राइंग है जो मैंने 2018 में NCA के एंट्री टेस्ट में बनाई थी, जिसमें 2 शूज़ बनाने थे, तो इसमें देखो सबसे जो देखने की बात है, मतलब ये क्यों थोड़ी रियलिस्टिक लग रही है, अगर मैं इस एरिया पे आऊँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई ये राउंडनेस वाली फील आ रही है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि भाई साइड्स डार्क और सेंटर में लाइट, जिससे वो राउंडनेस की फील आती है। और सबसे जो मज़े की यहाँ जो डिटेल्स हैं जो मुझे लगती हैं वो ये हैं, वो ये स्ट्रैप्स हैं, वो क्या है जी, नुक्कड़ पे आपने वही शेड देना है एंडिंग पॉइंट्स पे, और सेंटर में थोड़ा लाइट रख देना, जिससे वो थोड़ा राउंडनेस की फील आएगी, और जो एरिया थोड़ा नीचे होगा, जैसे ये एरिया नीचे है, ये एरिया नीचे है, तो इसे थोड़ा डार्क रखना है। इसके अलावा ये इसे कुंडी कहते हैं यार, जो भी खैर, ये वाली स्ट्रैप इसके अंदर से होके गुजर रही है, सो या इस एरिया में वो दबी हुई है, एज़ जो चीज़ नीचे होती है दबी होती है वो थोड़ी डार्क होती है, तो यहाँ मैंने थोड़ा डार्कनेस दी है, यहाँ पे मैंने हल्का सा शेडो दिया हुआ है जिससे थोड़ा इसका रियलिज्म में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा ये चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, मैंने उसकी थिकनेस दी है, उस लेदर की थिकनेस लाजमी देना होती है, तो वो मैंने विजिबल करने के लिए थोड़ा वाइट छोड़ दी है, सो दैट वो थोड़ा और रियल लगे। अच्छा इसके अलावा जो चीज़ देखने की है वो ये है, वो ये एरिया सोल, यहाँ पे भी वही राउंड वाला इफेक्ट है, क्योंकि सोल थोड़ा राउंड था, ऊपर आप ऊपर देखो, ऊपर ये लेदर की एक लाइन है, तो वहाँ पे डार्क होगा उस लाइन की वजह से, क्योंकि ये पीछे है ये आगे है, सो यहाँ पे एक डार्कनेस की शेड आएगी, ये चीज़ लाजमी ऑब्वियस ही बात है यार, जो चीज़ जैसे ये ऊपर है ये नीचे है, सो यहाँ पे देखो एक शेड आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली, इधर भी शेड आ रहा है, इधर भी शेड आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर होने की वजह से अपना शेडो उसके ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं।